Hey guys, good morning. Welcome to my YouTube channel. I am Rahul. दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और हर दिन कुछ ना कुछ आप नया सीख सकें। और अगर आपको मेरे से बात करनी तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, लर्निंग टू ड्राइव राहुल मित्तल के नाम से मेरी प्रोफाइल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और एक मेरा सेकेंड चैनल है कार नॉलेज बाय राहुल, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा। मेरे साथ मेरी स्टूडेंट हैं, मैं उनका नाम जान लेता हूँ, क्या नाम है, कौन सा डे है, क्या कॉन्फिडेंस। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? दीप्ति। दीप्ति, ओके। कौन सा डे आज? डे थ्री। और अभी तक आपने कौन कौन से गियर में चलाया है? फोर्थ गियर तक। ओके, अभी कौन से गियर में चल रही है? फोर्थ गियर। किस रूट पे चल रही है? नेशनल हाईवे NH24। ओके, हाँ। तो अभी कौन क्या स्पीड है कार की आपकी? समथिंग बिटवीन 40 to 60। ओके, हल्का राइट दबा के रुको, राइट। जब भी राइट से ओवरटेक करते हो उसके बाद पहले लेफ्ट वाला मिरर चेक करके उसके बाद गाड़ी की लाइन चेंज करी जाती है, क्योंकि जहाँ पे आप बैठी हैं यहाँ से 6.5 फीट इसका बोनेट आ गया, 4.5 फीट टोटल इसकी जो गाड़ी की लेंथ है वो 12 फीट है, ठीक है। तो बिना देखे नहीं काटना, अभी गियर डाउन करो, पूरा क्लच दबाओ, हाँ, और इसको सेकंड गियर करो, सेकंड। पहले न्यूट्रल करो, न्यूट्रल हल्का ऊपर जाओ, हल्का सा, अब लेफ्ट लाके पीछे खींचो, हाँ। देखो आपने यहाँ पे नागिन डांस कर दिया पूरा, देखा स्टीयरिंग पूरी लहरा गई, जो कि लहरानी नहीं चाहिए थी। और स्टीयरिंग आपने गलत पकड़ी, स्टीयरिंग को जब गियर चेंज राइट खोल का जब गियर चेंज करते तो उसको 12 o'clock पे जो वॉच टाइम होता है राइट वाला हाथ आपका उस पॉइंट पे होना चाहिए, तो स्टीयरिंग नहीं ले रहेगी राइट खोल कर आई, हाँ। जाओ छोड़ो ब्रेक, और गियर जब भी चेंज करना तो आपको जितनी आप में जान है पूरा क्लच फुल दबाना है, क्योंकि क्लच अगर पूरा नहीं दबाओगे तो गियर अटकेगा, गियर प्रॉपर नहीं लगेगा। तो अभी जब आप गियर चेंज कर रही थी फोर्थ से सेकंड तो आपने पूरा क्लच नहीं दबाया था। क्लच का और गियर का मैचिंग होना बहुत ज़रूरी है। आपने अगर क्लच दबाया गियर नहीं लगा रहे हो तो भी दिक्कत है, गियर खींच रहे हो क्लच पूरा नहीं दबाया तो भी दिक्कत है, ठीक है। अभी हल्का लेफ्ट रखो गाड़ी, लेफ्ट का सिग्नल दो ऊपर को, और लेफ्ट आओ, यहाँ पे रोकना है, पूरा क्लच लेके धीरे से ब्रेक, लेफ्ट आओ और थोड़ा, अभी पूरा क्लच और धीरे से ब्रेक, हाँ। स्टॉप करो, पूरी गाड़ी स्टॉप करो, फुल क्लच, ठीक है, दोनों दबा के रखना, छोड़ना नहीं। अभी गाड़ी कहाँ पे? फ्लाईओवर पे। सपोज करो यहाँ पे लग गया जाम, ट्रैफिक लग गया, अब गाड़ी आपको यहाँ पे रोक रोक कर चलाना है, तो कैसे करोगे? अभी ब्रेक से पैर हटाओगे तो गाड़ी तो आपके पीछे जाएगी, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो हमारी कार का जो गियर है वो 1 होना चाहिए, फर्स्ट गियर, तो इसको आप फर्स्ट गियर में करो, गियर चेंज करो, पहले न्यूट्रल करो, हल्का सा ऊपर जाओ, हल्का सा बस, अभी लेफ्ट लेके आओ गियर लीवर को, पूरा दबा के रखो, अब ऊपर जाओ, हो गया, ये हो गया फर्स्ट गियर। क्योंकि गाड़ी को कभी भी फर्स्ट टाइम मूव करना है तो फर्स्ट गियर, या रिवर्स गियर में जाना है या फर्स्ट गियर में जाना है। अभी आप यहाँ पे स्लोप पे, तो अभी आप ब्रेक छोड़ो, ब्रेक छोड़ दो, हाँ। अभी गाड़ी कहाँ जा रही है आपकी, जाने दो, थोड़ा जाने दो, पीछे जा रही है। अब वापस क्लच दबाया, ब्रेक लगा लो, ब्रेक लगा लो, ठीक है। अभी क्या है, जैसे कि नॉर्मल हम जब रोड पे होते हैं तो वहाँ पे हम पहले ब्रेक छोड़ते फिर क्लच छोड़ते, क्योंकि गाड़ी प्लेन जगह होती है तो खिसकती नहीं। अभी यहाँ ढलान पे, तो गियर तभी एक्टिव होता है जब हम कम से कम 20 to 30% क्लच को रिलीज करते हैं। अभी आप ब्रेक दबाए रहना, ठीक है, अभी आप क्लच को धीरे धीरे रिलीज करना, पूरा क्लच नहीं छोड़ना, क्लच आपको सिर्फ उतना छोड़ना है जितने में गाड़ी गियर में एक्टिव हो जाए। एक्टिव कैसे पता चलेगा, जैसे इंजन ये वाइब्रेट करने लगेगा, ठीक है, सिग्नल बंद करो, हाँ, यहाँ पे ये स्विच है इसको दबा दो नीचे की तरफ, नीचे, इसको हजारा स्विच बोलते हैं। अब चारों इंडिकेटर जल गए, अब पीछे जो भी गाड़ी आएंगी उनको ये पता है कि ये गाड़ी खड़ी, कोई इशू है ना, ये इमरजेंसी, हाँ, सिग्नल है। अभी आपको पूरा ब्रेक दबा के रखना, क्लच थोड़ा सा छोड़ो, जैसे इंजन वाइब्रेट करने लगे ऐसा आपको फील हो कि गाड़ी मेरी रुक रही है, मतलब इंजन चलने के लिए रेडी है और ब्रेक रोक रहा है, फिर ब्रेक से पैर हटा लेना है, बहुत ही धीरे धीरे, थोड़ा सा इसमें पेशेंस की ज़रूरत है, बहुत धीरे धीरे, एडी नीचे रहेगी तो आएगा ऊपर, बस। अब ब्रेक से पैर हटाओ, देखो पैर ब्रेक पे रखो, मतलब उसको रिलीज करना था, बढ़ गई गाड़ी बिना एक्सेलेटर, आपने कोई एक्सेलेटर लिया यहाँ पे? नहीं लिया, ऑलरेडी फर्स्ट गियर में इतनी ताकत होती कि कितनी ऊंची चढ़ाई है, कम से कम हमें लग रहा रोड से हम 20 फीट ऊपर तो हैं, है ना। अभी फिर वापस फुल क्लच, ब्रेक, स्टॉप,
ठीक है, अभी यहाँ पे मिस्टेक एक होता है ब्रेक से पैर प्रॉपर हटाना, एक होता है ब्रेक को रिलीज करना, पैर ब्रेक पे रखना है, ठीक है। ब्रेक से पैर हम तब हटाते हैं जब हमको एक्सेलेरेट करना है, बिना एक्सेलेरेट के हम पैर ब्रेक पे रखेंगे, ठीक है। अभी वही सेम चीज़, फिर धीरे धीरे क्लच को छोड़ो, धीरे धीरे ब्रेक तब तक नहीं छोड़ना जब तक गाड़ी गियर में एक्टिव ना हो जाए। अगर पहले आपने ज़रा सा भी ब्रेक छोड़ा तो गाड़ी पीछे की तरफ लुढ़कने लगेगी। बस अभी देखो यहाँ पे आपने क्लच कंटिन्यू रिलीज कर दिया, तो इंजन बुझ गया। वापस क्लच दबा के, इंजन क्लच दबाओ पूरा फुल और इंजन ऑन करो। क्लच को ही तो समझना है, पूरा गेम जो है गियर वाली गाड़ी में क्लच का होता है। चलो जरा सा भी एक्स्ट्रा क्लच छोड़ोगे इंजन बुझ जाएगा। बस थोड़ा सा और, बस बस ब्रेक से पैर हटाओ, अब धीरे धीरे क्लच छोड़ो, धीरे धीरे क्लच, धीरे 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 क्लच, धीरे धीरे झटके से छोड़ दिया आपने। और इंजन बुझने के बाद ब्रेक काम नहीं करता, ध्यान रखना। इंजन जब बुझ जाता है तो ब्रेक वर्क नहीं करता है। अभी आपका राइट वाला लैग कहाँ है? नहीं था, एक्सीलेटर पे था, तभी तो गाड़ी पीछे गई है। आप कंफ्यूज हो रही हैं थोड़ा सा। इंजन के बाद गाड़ी स्लोप पे नहीं जाएगी नीचे। अभी आप क्लच दबा के इंजन क्यों नहीं ऑन कर रही हैं? फिर ब्रेक छोड़ दिया आपने। अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि ब्रेक तब तक नहीं छोड़ना, इतने में तो आपकी गाड़ी टकरा चुकी होगी पीछे। जितना आप धीरे धीरे पीछे जा रहे हो इतने में तो गाड़ी ठुक चुकी होगी, इतना स्पेस थोड़ी होता है भाई। गाड़ी सटी हुई खड़ी होती ज़्यादा ज़्यादा 1 से 2 फीट, आप कम से कम 4 से 5 फीट पीछे चली आई, इतने में तो गाड़ी भिड़ जाएगी। थोड़ा पेशेंस चाहिए, हील नहीं आनी चाहिए हवा में, हील नीचे रहनी चाहिए, बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। बस अब राइट वाला पैर ले जाओ एक्सीलेटर पे, एक्सीलेटर पे अब हल्का सा एक्सीलेट कर लो, हल्का सा। अब धीरे धीरे क्लच को रिलीज करो, धीरे धीरे। इससे पहले मैंने एक्सीलेट क्यों नहीं कराया था? क्योंकि थोड़ी हाइट कम थी, अभी थोड़ा और ज़्यादा हाइट पे आप आ चुके हो, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। अभी सिग्नल वो बंद कर दो इंडिकेटर, चलो स्पीड बढ़ाओ, इसको बोलते हैं स्लोपिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब बेसमेंट की पार्किंग से या मॉल ऑल की पार्किंग से या कभी आप क्लच दबा के सेकंड गियर करो जल्दी से। हाँ, खींचो पीछे, छोड़ो क्लच, फिर आपने मिस्टेक करी, राइट वाला लैग आपका ब्रेक पे नहीं आया। डेली कम से कम 4 से 5 वीडियोस आपको देखनी है, डेली वीडियोस से आपको बेसिक आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिकल मैं कराऊंगा लेकिन याद करना आपको, ये चीज़ों को समझना आपको है। ये जो मिस्टेक हो रहा है ना, हर बार गियर चेंज करते वक्त आपका पैर राइट वाला ब्रेक पे होना कंपलसरी है। ब्रेक दबाना ना दबाना एक अलग मैटर है, पर पैर होना ज़रूरी है क्योंकि हमको हैबिचुअल होना है। अभी देखो स्पीड क्या हो गई आपकी गाड़ी की, 40, और होनी कितनी चाहिए थी? 30 मैक्सिमम, क्योंकि आप सेकंड गियर में, सेकंड गियर की मैक्सिमम स्पीड होती है 30 और मिनिमम 20। अभी आपको गियर चेंज करना है, राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ, क्लच दबाओ पूरा फुल, मिडिल में, सेंटर में, ऊपर जाओ, बीचों बीच में ऊपर जाओ। क्या कर रहे हो आप मेरे में? अरे बीचों बीच में ऊपर गियर को करो, ऊपर, हाँ जाओ ऊपर। ये थर्ड गियर है और आपने 12 o'clock पे स्टेयरिंग पकड़ी है? नहीं, राइट हैंड की बात कर रहा हूँ, लेफ्ट। अच्छा अगर लेफ्ट हैंड रखोगे तो गियर किससे लगाओगी? फिर गियर चेंज करते वक्त आपका 12 o'clock पे हाथ आना चाहिए, उसके अलावा तो 3 और 9 पे ही आप रखोगे, ठीक है। अभी ये जो लेफ्ट वाला हाथ है थोड़ा ऊपर ले जाऊँ, हाँ ये। अभी राइट वाला पैर ब्रेक पे लेके आओ, पूरा क्लच दबा के सीधा सीधा नीचे को डाउन करो गियर, क्लच दबा के फोर्थ गियर डालो पूरा फुल, सीधा सीधा नीचे, हाँ खींचो, गुड। अब क्लच को रिलीज कर दो। फर्स्ट गियर में क्लच को धीरे धीरे रिलीज करना होता है, और सेकेंड थर्ड फोर्थ में आप क्लच को जल्दी छोड़ सकते हो क्योंकि गाड़ी चल रही होती है तो गाड़ी बंद होने के चांसेस नहीं है, और अगर गाड़ी खड़ी है तो चांसेस हैं बंद होने के अगर झटके से आपने क्लच छोड़ा। बस अब 60+ मत जाओ, 60 के आसपास ही रखो, जाने दो धीरे धीरे। हाँ लाइन मत चेंज करो, देखो गाड़ी लेफ्ट वाला टायर कहाँ जा रहा है आपका, देखा? नज़र आपकी चारों तरफ रहनी चाहिए, आपके लेफ्ट और राइट में क्या चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए मिरर के जरिए से, ठीक है। ज़रा सा भी लहराओगे, अगल बगल से कोई आ रहा होगा तो गाड़ी आपकी टकरा सकती है, स्पीड कम करो। क्योंकि राइट से आपके ट्रक निकल रहा था, अब दबा लो राइट, राइट से आपके ट्रक निकल रहा था तो गाड़ी आप राइट ले नहीं जा सकती थी, सामने से ऑल्टो आ रही थी, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना था?
ब्रेक लगाना था, सीधा सीधा ब्रेक लगाओगे गाड़ी की स्पीड कम हो जाएगी। स्ट्रेट जाना है सीधा, बस थोड़ा अलर्ट रहिएगा दाएं बाएं देख के, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है ना, रोड खाली होता है, सभी को जल्दी होती है। राइट दबा के रखो हल्का सा, हाँ राइट दबा के, बढ़ा लो अब स्पीड। आप फोर्थ गियर में हो ना, अगर 30 माइनस स्पीड जाएगी तो गाड़ी आपकी जर्क करने लगेगी, झटके मारने लगेगी। तो अगर 30 माइनस जा रही तो आपको चलते चलते क्लच दबा के गियर थर्ड कर लेना है। अगर 20 माइनस चली गई और आप फोर्थ गियर में हैं तो आपको थर्ड की जगह डायरेक्ट फोर्थ से सेकंड गियर कर लेना है, ताकि गाड़ी गियर के स्पीड के रिकॉर्डिंग गियर रहे। लॉन्ग हॉर्न पुश, राइट दबा के रखो, देखो देखो लेफ्ट दबा दिया आपने, है अभी धीरे धीरे गाड़ी आपकी लेफ्ट भाग रही थी, और अभी आधी गाड़ी आपकी क्रॉस होती है, पिछला हिस्सा उसमें टेम्पो में टकरा जाता। तो ये यहाँ से पता चलेगा, ये लेफ्ट वाला मिरर है, आपको आपके लेफ्ट का अंदाज़ा लेफ्ट साइड से ही पता चलेगा कि गाड़ी की डायरेक्शन क्या है। अभी आप राइट में बैठे हो, आपको लगता सीधी चल रही, पर गाड़ी टेढ़ी चलने लगती, धीरे धीरे लेफ्ट भागने लगती है, क्योंकि राइट साइड में बैठ के लेफ्ट का जजमेंट करना है। राइट साइड नहीं भी देखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि राइट में तो आपकी नज़र जा रही है, राइट का पोर्शन तो आप संभाल पा रहे हो, लेकिन लेफ्ट वाला जो एरिया है वो बोनेट पे लगे फ्लैग से, इस पिलर से लेफ्ट वाले, और ये जो लेफ्ट वाला मिरर है यहीं से आपको क्लियर हो पाएगा। जाने दो धीरे धीरे, सारा गेम जो है ना वो नज़रों का है। आप अगर थोड़ी सी वीडियोस पे फोकस कर लेंगे ना तो बहुत जल्दी चीज़ें समझ में आएंगी। सीख हर कोई जाता है, लेकिन क्या होता है ना कि थोड़ी बारीकियां जल्दी समझने के बाद थोड़ा कंट्रोल और पहले हो जाएगा आपका। अब देखो फिर धीरे धीरे गाड़ी आपकी लेफ्ट आई, पता चला आपको नहीं चला, अभी जब साइकिल वाले को आप ओवरटेक कर रहे थे उस वक्त आपकी गाड़ी धीरे धीरे लेफ्ट आ रही थी, आपको पता नहीं चल पाया कि जिस पॉइंट पे आप बैठी हैं उस पॉइंट से 6.5 फीट गाड़ी आपकी आगे है और 4.5 फीट पीछे है। इसकी चौड़ाई जो है टोटल 5.5 फीट है, बट 1 फीट राइट वाला मिरर और 1 फीट लेफ्ट वाला। राइट और खोल का गाड़ी राइट, बहुत ज़्यादा लेफ्ट मत दबाया करिए, क्योंकि ये टैक्सी स्टैंड वगैरह है, यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो अचानक गाड़ी लेफ्ट राइट काट देते हैं बिना सिग्नल के, सीधा जाना स्ट्रेट। अभी देखो स्पीड क्या हो गई आपकी, 20 है ना, अभी गियर कौन सा है, फोर्थ। इंजन क्या कह रहा है, वाइब्रेट कर रहा था, बट अभी आपने वापस मेंटेन कर लिया। गाड़ी अभी जब नीचे आप फ्लाईओवर से नीचे उतरी तो गाड़ी घड़घड़ 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 कर रही थी, क्योंकि उसको स्पीड नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि हर गियर की स्पीड अपनी अपनी एक फिक्स है। कम स्पीड ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा मैचिंग नहीं करेगी स्पीड गियर तो गाड़ी आपकी जर्क करने लगेगी। ऐसी सिचुएशन में आपको फिर गियर चेंज करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड जो आपका गियर लीवर पे रहना चाहिए, लेफ्ट वाला हाथ गियर पे रखो, हाँ बस, और एक हाथ से स्टीयरिंग को कंट्रोल करो, क्योंकि एक्चुअल में आपने देखा होगा किसी भी परफेक्ट ड्राइवर को तो उसका लेफ्ट हैंड जो है वो गियर लीवर पे ही रहता है, क्योंकि स्टीयरिंग में कुश्ती नहीं लड़ना है, समझ रहे हैं। स्लो स्टीयरिंग को जितना लाइट, राइट रखो राइट, स्टीयरिंग राइट बोला मैंने, जितना बस इसी लाइन में आपको चलना है, जो ये लाइन है इसी लाइन में, ताकि अगर पीछे से कोई 100 की स्पीड में भी आ रहा है तो वो भी राइट से क्रॉस कर जाए आपको बिना डिस्टर्ब किए। और अगर आप गाड़ी को लहराएंगे या राइट वाली लाइन में रखेंगे और स्पीड कम रखेंगे तो क्या होगा कि वो पीछे वाला डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि ओवरटेक हमेशा राइट साइड से किया जाता है। तो अभी स्पीड बढ़ा लीजिए आप, और स्टीयरिंग को बहुत लाइट पकड़ो, बहुत लाइट। स्कूटी कितने साल से चला रही हो, 10 साल। तो 10 साल जब आपके सामने स्पीड ब्रेकर या कोई चौराहा या जब आप ब्रेक लगाते हो स्कूटी में तो हाथों का पोर्शन क्या होता है, हाथों को हम टाइट कर लेते हैं ताकि कहीं ऐसा ना हो झटके से स्टीयरिंग हमसे छूट जाए। तो वही फीलिंग अभी इसमें आ रही है, जब सामने कोई आने लगता है ना तो अभी आप हाथों से ब्रेक लगाने लगते हो, क्योंकि 10 साल का जो एक्सपीरियंस है, आदत है, वो 2 दिन में नहीं जाएगी। तो उसके लिए इसीलिए मैं बार बार आपको टोकता हूँ ताकि ये चीज़ें सेट हो जाएं। राइट रखो, राइट वाला और लेफ्ट वाला मिरर बार बार आपको चेक करना है, ठीक है। राइट रखो, अब राइट दबा के निकालो, जाओ सीधा जाना स्ट्रेट, हल्का राइट, हाँ अभी राइट वाली ही लाइन में रखना, हाँ हम लोग को सीधा ही आना स्ट्रेट। अब धीरे से लेफ्ट आ जाओ, हल्का सा आराम से,
एकदम से नहीं, मैडम भी है ना लेफ्ट में, सीधा जाना है। चलो हॉर्न बजाओ इनको, बस हल्का लेफ्ट रखो, लेफ्ट लेफ्ट, हाँ लेफ्ट, बस जाओ, रोको पूरा क्लच और ब्रेक, स्टॉप। बस अब इसको पहले गियर में करो फटाफट जल्दी से, हाँ जाओ। चलो ब्रेक छोड़ो पहले, अब धीरे से क्लच छोड़ो, जाने दो। इन बड़ी गाड़ियों से पंगा मत लेना, नहीं तो कुछ वैसे भी स्लो, आराम से, क्योंकि गाड़ी रुकने के बाद हमेशा हम उसको फर्स्ट गियर में, आप फोर्थ गियर में चल रही थी, रुकने के बाद हमेशा उसको फर्स्ट गियर में ही मूव करना चाहिए, ठीक है, ना कि सेकंड ना कि थर्ड। चलो स्पीड बढ़ाओ, जाने दो, अभी क्लच दबा के सेकंड गियर करो। चलो छोड़ो क्लच, अभी आपको पता चला आपने क्या मिस्टेक करी, मैंने कहा राइट वाला पैर ब्रेक पे रखो, तो आपने 20% ब्रेक को पुश कर दिया, जो कि स्पीड बहुत ज़्यादा डाउन हो गई। जैसे कि सेकंड गियर की स्पीड है मिनिमम 20, मैक्सिमम 30, तो आप जब सेकंड गियर की तैयारी करोगे तो पहले स्पीड बढ़ाओगे 20, अब जाओगे, ताकि जब आप क्लच दबा के गियर डाल रहे हो 2-3 सेकंड का प्रोसीजर, तो इसमें स्पीड बहुत ज़्यादा डाउन ना हो। अगर आप क्लच दबा के गियर डाल रहे हो, तो जब आपने क्लच दबा के गियर डाला और क्लच को रिलीज़ करने का टाइम आया, तब तक स्पीड आपकी 10 की आ गई, तो गाड़ी झटके मार के इंजन बुझ जाएगा। अभी राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ और 12 क्लॉक को स्टीयरिंग को पकड़ो और थर्ड गियर सेंटर में फटाफट जल्दी जल्दी ऊपर जाओ, गुड। चलो ये चीज़ें जो आपका गियर चेंज करना, क्लच दबाना, स्टीयरिंग पकड़ना, 2-3 मैक्सिमम 2-3 सेकंड, ठीक है, स्ट्रेट जाना है, जाने दो। बाकी आप अच्छा चला रहे हो, ये लोग तो 12 मिनट की टहल के आ चुकी हैं कल पर, तो दोनों पता चला था आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है दोनों, हाँ ओके। चलो जाने दो। सो गाइस अभी हम लोग हैं सीतापुर रोड पे और लखनऊ से करीब करीब हम लोग अपना खुर्रम नगर चौराहे से 9 किलोमीटर लगभग आगे आ चुके हैं, और मैडम 2-3 दिन से बाहर थी, तो आज मैं इनको 20 किलोमीटर करा दूंगा, जो कि इनकी डबल क्लास हो जाएगी, इसीलिए हाईवे पे हैं, और अभी गाड़ी की स्पीड 40+ है और थर्ड गियर है, हाँ स्पीड बढ़ा लो धीरे से, जाने दो। सो गाइस अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।